हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टाटा से आपको पता चली गया होगा कि किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप अपनी GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अब कोई भी आपका आउटपुट है तो क्या कहते हैं उसको आप पेमेंट करना चाहते हो, तो आप जब GST फाइल करोगे तो आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको क्या कहते हैं अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि GST फाइल करने में अभी काफ़ी टाइम है और आपको पेमेंट अभी करना है, जैसे कि ये सिचुएशन जब आती है जब क्या कहते हैं आपके बॉस वगैरह मतलब बाहर जाते हैं इंडिया से या मतलब शहर से, तो OTP की दिक्कत आती है उस केस में। तो उस केस में हमें क्या करना है, हम अपना GST कैसे पे कर सकते हैं, हमें कैसे पे करना है, उस टॉपिक पे ऊपर ये वीडियो होने वाली है। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने GST पोर्टल पे आ जाएंगे, उसे लॉगिन कर लेंगे और आपको कुछ नहीं करना है। जितना भी आपका CGST, SGST, IGST आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3B में डाल के चेक कर लीजिए कि आपका कितना बन रहा है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे यहाँ आना है पेमेंट में और क्रिएट चालान। ठीक है, ये जब हम इस पर क्रिएट चालान पे जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा, एक मिनट। तो ये देखिए ये खुल गया, ये पूछ रहा है एनी अदर पेमेंट, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, आपको डालना है एनी अदर पेमेंट। ठीक है, और यहाँ प्रोसीड कर देना है। ठीक है, फिर एक चालान जनरेट करने के लिए ये बोलेगा। ठीक है, अब आप उसमें देख लीजिए टैक्स है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फीस है, अदर्स, जो भी आपको पेमेंट करना है वो आप पे कर सकते हो। ठीक है, मुझे पेमेंट करना है, मान चलते हैं 9000 CGST और SGST दिल्ली का है ये 9000। ठीक है, मान चलते हैं मेरे पास CGST है, SGST नहीं है, तो ये करना है मुझे 1000। अब आपको उसमें से कुछ IGST भी पेमेंट करना है तो उसको आप यहाँ पे दिखा दीजिए 2500, तो 12500 ये आपका क्या कहते हैं टोटल चालान क्रिएट हो गया। और आप इसको ये अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर लीजिए, ये चालान आपका सेव हो गया, ये आपका रेफरेंस नंबर है और आप क्या कहते हैं वहाँ से जाके कर सकते हैं। नहीं तो आप दोबारा से यहाँ पे 9000, यहाँ पे ये हो गया 2500 और ये आपका ये 1000। ठीक है, आप ई पेमेंट करिए, क्रिएट चालान, और आप फिर इसको इस तरीके से प्रेफर्ड बैंकिंग करके जो भी HDFC है, एक्सिस है, ICICI बैंक है, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो उसका पेमेंट कर सकते हैं। इसको पेमेंट करने के बाद आपका चालान जनरेट हो जाएगा और जो भी आपका ये इनपुट होगा वो आपके कैश लेजर में आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जो आपका चालान होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपका जो चालान होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी क्या कहते हैं 3B फाइल करने से पहले अपना चालान पेमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर इस टॉपिक के रेफरेंस में कोई भी आपका डाउट बनता तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।